जी अब असाइनमेंट नंबर 1.6 हम सॉल्व करेंगे. शो दैट द इक्वेशन, पहली इक्वेशन जो दी हुई हमें वो है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए टी, और दूसरी जो इक्वेशन गिवन है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये दोनों हमने डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं हमें ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहले पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमें वी एफ की वैल्यू पता है, एल टी माइनस वन वेलोसिटी की, इसे क्वेश्चन नंबर वन नाम दे देते हैं. और ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड वी आई प्लस ए टी. वी आई की क्या होती है, एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस टू, और टाइम क्या हो जाएगा टी टी. तो अब यहाँ पर टी माइनस टू, यहाँ पर टी इसकी पावर वन है और इसकी पावर माइनस टू है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे. तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन, तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन. अब ये क्या बन जाएगा, वन प्लस वन टू, टू एल टी माइनस वन, विच इज़ डायमेंशन ही करेक्ट, क्योंकि हमें इनकी बेसिस जो डायमेंशन की वैल्यू आ रही है ना दोनों इक्वल चाहिए, तो ये दोनों इक्वल ही हैं. देखें क्वेश्चन नंबर वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट. अब इसका दूसरा बार देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एस क्या होता है, लेंथ होती है, तो इसका क्या होगी, डायमेंशन एल होगा. राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं इसे, लेफ्ट राइट हैंड साइड वी आई टी प्लस हाफ जी ए टी स्क्वेयर. तो वी आई का क्या है, एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस हाफ एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वेयर. तो यहाँ से फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस टू और ये माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर वही बचेगा एल टी माइनस वन प्लस हाफ एल टी माइनस वन. अब देखें बेसिस सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस वन ओवर टू एल सी हम लेंगे, टू 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 प्लस वन थ्री ओवर टू, तो इधर क्या आ जाएगा थ्री ओवर टू. मिस्टेक हो गई यहाँ पर, माइनस वन माइनस टू, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ एल बचेगा, यहाँ पर सब जगह एल होगा. तो यहाँ पर ये की डायमेंशन क्या बन जाएगा, एल, विच इज डायमेंशनली करेक्ट, एल थ्री ओवर टू एल के इक्वल हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट. अच्छा अब एग्जांपल नंबर 1.6 ऑन पेज नंबर 27, यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन. हमारे पास पहला जो गिवन है
वो है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। हमें बताना है कि ये एफ के इक्वल है इस पूरे का डायमेंशन, और बी पार्ट में जो गिवन है वो है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ये दोनों डायमेंशन हमें इक्वल बनाने हैं। सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं, सॉरी हाँ फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है एम, और इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, सही है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू। तो फोर्स का जो डायमेंशन बनेगा वो होगा एम एल टी माइनस टू। इसे इक्वेशन नंबर वन कह देते नाम। अब राइट हैंड साइड में क्या गिवन है एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। तो हमें एम का डायमेंशन पता है, मास का क्या होता है कैपिटल एम, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन का स्क्वेयर होल स्क्वेयर, माइनस वन का इधर स्क्वेयर था तो भी होल स्क्वेयर, रेडियस क्या होता है लेंथ होता है तो लेंथ का स्क्वेयर। अब ये हो जाएगा एम एल का स्क्वेयर टी माइनस टू का स्क्वेयर। ये इसकी पावर वन थी इधर से मल्टीप्लाई तो टू हो गया, इसकी पावर माइनस वन थी तो इसकी इससे टू से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू हो गया। ये हो गया एल एल का स्क्वेयर, तो ये वाला स्क्वेयर और ये वाला स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा एम टी माइनस टू। इक्वेशन नंबर टू इसे नाम दे देते हैं। अब चेक करें इक्वेशन नंबर वन और टू आपस में मैच नहीं करती, तो दे आर नॉट इट्स नॉट डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी वही करना है। यहाँ पर मैं f की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ, f इज इक्वल टू m l t माइनस टू, इस इक्वेशन नंबर वन। अब राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करना है तो उसके लिए राइट हैंड साइड लिखेंगे m v स्क्वेयर ओवर r। अब m का क्या होता है कैपिटल m, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर जो स्टेप्स किए थे वही करने, ये हो जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय आर की क्या वैल्यू है आर की पावर वन है तो एक आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा ऊपर एक ही आर बचेगा, तो सॉरी एक एल कट जाएगा आर नहीं है यहाँ पर एल कट जाएगा तो ऊपर एक एल बचेगा एम एल टी माइनस टू। तो इक्वेशन नंबर वन जो है और इक्वेशन नंबर टू आपस में इक्वल है तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट एल टी माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। So, is dimensionally dimensionally. So, yeah.
यहाँ पर क्या था, डायमेंशनली नॉट करेक्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थी।